मंगलवार को रतलाम लैब से नवासी रिपोर्ट आई, जिसमें दो पॉजिटिव मनासा से व एक छात्र नीमच बघाना क्षेत्र के तेलनखेड़ी निवासी से है। यह छात्र भी रशिया से आया है, जिसे सोमवार मंगलवार की रात को क्वारंटाइन कर सैंपल लिया, जो मंगलवार को पॉजिटिव आया। तेलनखेड़ी क्षेत्र को कंटेनमेंट किया गया व संपर्क में आए परिजनों को क्वारंटाइन किया गया। मनासा में एक ही परिवार व उनके कर्मचारी सहित 6 लोग पॉजिटिव आए। इन सबका संपर्क रशिया से आए उनके व्यापारी के बेटे ने मनासा में अपने परिवार व कर्मचारियों में फैलाया। पिछले 4 दिनों से 6 लोग जो पॉजिटिव हैं, उसको लेकर मनासा में दहशत का माहौल हो गया है। लोगों का कहना है कि पहले नीमच में कोरोना वायरस फैला, फिर जावत में और अब मनासा में आ पहुंचा, जहां पिछले 4 दिनों से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ गए, अभी भी आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि रूस में मनासा आए युवक ने अपने यहां कार्य करने वाले अलग अलग क्षेत्र के 15 मजदूरों व मुनीमों के ज्यादा संपर्क में रहा, और जिस दिन पॉजिटिव आया उसने 2 दिन पहले 150 से ज्यादा लोगों को पुत्र रत्न प्राप्ति कर मिठाइयां बांटी थी। अब उन लोगों को भी डर है कि कहीं वह भी संक्रमित ना हो जाए। सब लोग आगे होकर जांच करवाने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को 134 लोगों के सैंपल लिए, जिसमें भाटखेड़ी मनासा सहित आसपास व जावद नीमच के लोगों में से 143 लोगों की रिपोर्ट आना शेष है। जिले में 22 केस एक्टिव है। मनासा भाटखेड़ी के 70 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। जिले में 452 में से 420 लोग ठीक हो चुके हैं।